मजियाखेत के समीप प्यूनरा बाईपास रोड में गैस की नियमित आपूर्ति किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल जिला पूर्ति अधिकारी से मिला। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि प्यूनरा बाईपास सड़क का निर्माण बीते कई साल पूर्व हो चुका है, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब है। सड़क में अभी तक डामर नहीं हो सका है, साथ ही सड़क में नाली निकास की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण वाहन चालकों तथा राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इस आशय का एक ज्ञापन भी जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा है। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने बताया कि इंडियन गैस प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि वो कल से ही त्यूनरा रोड में गैस वाहन को संचालित करना सुनिश्चित करें। 2014 में लगभग ये रोड कट गई थी और तकरीबन आज 10 साल बाद भी हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। आप देखिए, पूरी रोड में ना तो डामरीकरण हुआ है और लगातार गाँववासी धूल खा रहे हैं। और आज हम मेन जो खाद्य पूर्ति हमारे अधिकारी हैं, इनके माध्यम इनको हम बताना चाह रहे हैं कि तुरंत वहाँ पर जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको गैस की बड़ी किल्लत है और सभी को नीचे आना पड़ रहा है, नीचे वाली रोड में आना पड़ता है, और तुरंत वहाँ पर जो है हमारे लिए जो गैस की व्यवस्था की जाए, यही हम लोग का खाद्य पूर्ति अधिकारी जी से कहना है। चलिए तो मैं बड़े पानीकोट से ये बताऊँगी कि भाई 10 साल हो गए सड़क को बने हुए, तो अभी तक उसमें कोई नाली नहीं निकली है, कोई पानी की इतनी निकासी नहीं है, तो वहाँ पर भी इतने भी बच्चे जाते हैं स्कूल के, सारा पानी नाली जितने अभी घरों का पानी भी सारा सड़क में आ रहा है, तो हमारे को इसका भी फायदा होना चाहिए और भी गैस की गाड़ी ऊपर आनी चाहिए, तो गाड़ी नीचे आती है अभी बहुत पैसा लेते हैं ऊपर आने में, तो यही बोलना चाहती हूँ जी। हाँ, ये कुछ क्षेत्रवासी मेरे पास आए थे, इनका कहना है कि जो ये कफलखेत मज्जाखेत वाली रोड है वो रोड कट चुकी है, चूँकि अभी रोड पक्की नहीं हुई है, उसमें सोलिंग वगैरह हुई है, तो मैंने गैस प्रबंधक और इन लोगों से बता दिया कि आप लोग एक बार चेक कर ले रोड में, यदि कैसी गाड़ी संभव होती है गाड़ी जाना है तो वहाँ पर जो है सप्लाई शुरू कर दें। उसके अलावा जो मैंने ये भी डायरेक्शन दे दिए हैं कि गैस एजेंसी को कि जो है उस अगर यदि संभव होता है तो उस क्षेत्र हेतु जो है एक निर्धारित रोस्टर तैयार कर लें और उस रोस्टर के अनुसार जो है नियमित रूप से वहाँ पर गैस की सप्लाई कर लें। देशीय न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।